सब तो पहला तो सारी मीडिया का थैंक यू, अपना कीमती समा कट के इतने आए। तो ये मूवी साड़ी 14th October रिलीज़ हो रही है, विच बोलूंगा तेरे। बहुत ही डिफरेंट कंसैप्ट आ, थानू बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये मूवी थानू हसाऊगी, रुलाऊगी, बहुत कुछ होगा। ये कंप्लीट पैकेज आ ये मूवी। तो ये मेरी डेब्यू मूवी आ, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने इन्ने वधिया आर्टिस्ट नाल मैंने काम करने का मौका मिले। रविंदर गरेवाल जी, गुरमीत साजन सर, जिम्मी शर्मा, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट ने, सारे सीनियर ने मेरे को। मैं बहुत मान फील हो रहा है कि मैं इन्होंने काम कर। पहली फिल्म है तां खुशी है या फिर ज्यादा इस तरह खुशी कि वड्डे कलाकार जिहड़े जिहड़े काफी फिल्म बना चुके उन्होंने नाल बना रही है? ये खुशी है कि मेरी पहली मूवी है ते इन्ने वधिया कलाकारां नाल मेरी स्टार्टिंग हो रही है, ये मेनू खुशी है। सेट दे विच किस तरह माहौल सी? सेट दे विच बहुत वधिया माहौल सी। मैं इन्नी ज्यादा डरी हुई सी, ऑब्वियसली मेरी डेब्यू मूवी सी, मैं बहुत डरी हुई सी। मैनू याद है मेरा सीन सी रविंदर गरेवाल जी नाल, बहुत इमोशनल सीन सी, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई सी। मैनू नहीं पता सी, मैं लिटरली मैं शिवर कर रही सी, बट इन्होंने मैनू इन्ना कंफर्टेबल फील कराया, मतलब मैनू नहीं पता फिर कितना हो गया, वधिया होया नहीं होया, वो सारे तुसी दसोगे 14th October थिएटर विच जाके। की रोल है मेरा? रोल सिफत दा रोल आ, मेरा जिहड़ा करैक्टर आ उहदा नाम आ सिफत। सिफत बहुत ही प्यारी जी, स्वीट जी कुड़ी आ, ते मैनू लगदा है जो सिफत आ वो मैं ही आ। मौलिना सिफत आ, सिफत मौलिना, ते मैनू करना इन्ना औखा लग्गिया नहीं। बाकी जिहड़ी मेरी कास्टिंग आ गुरमीत सर ने कीती सी, ते धोनी सर ने जिहड़े साडे डायरैक्टर ने। ठीक ठीक थैंक यू।